सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल SRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव 2022 के प्रथम चरण के मतदान प्रारंभ होने जा रहे हैं और साथियों, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पीठासीन अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी हो चुके हैं। तो ये साथियों, प्रथम मतदान अधिकारी की क्या वर्क रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या उनको कार्य सौंपे गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखिए वर्क ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर्स। प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य, वर्क ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। जो प्रथम मतदान अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी के बाद जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रथम मतदान अधिकारी करते हैं, उन्हें प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी माना जाता है, कहा जाता है। और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के प्रभारी प्रथम मतदान अधिकारी होते हैं और मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा, जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा। मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा, जो पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंधित पुरुष मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचेगा। महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को गोल भी करेगा। तो ये साथियों ध्यान देने योग्य बिंदु है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से वोटर लिस्ट में कैसे उनको चिन्हित करते हैं। ये मतदान की समाप्ति पर कुल कितने डाले गए वोट में महिला व पुरुष वोटरों की संख्या अलग अलग बताना। मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का नमूना है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो क्रॉस किया गया है रेड से, ये आपका पुरुष में क्रॉस किया गया है। जैसे ही वो जो है आपका वोट डालने आता है तो यहाँ उसको हम क्रॉस करते जाते हैं पुरुष मतदाता को, और महिला मतदाता में राउंड का सेव कर देते हैं। जैसे यहाँ EDC कर दिया गया है ना, तो ये EDC की जगह यहाँ पे हम राउंड कर देंगे। तो ये पहचान बताता जाता है कि ये पुरुष हैं और ये महिला हैं। इनके अलावा जो वोट किया, तो मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का नमूना ये है। और आगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो प्रथम मतदान अधिकारी को पहचान पत्र फाइनल करना है कि कौन से जो है जो मतदाता क्या वोटर ID लेकर के आएगा तो उसको अंदर एंट्री रहेगी। पहला तो मतदाता पहचान पत्र जो वोटर ID है, दूसरा पासपोर्ट यदि है, ड्राइविंग लाइसेंस है और सर्विस पहचान पत्र है, जैसे राज कर्मचारी है, सार्वजनिक उपक्रम में है या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में है तो वो आईडी कार्ड भी मान्य होगा। बैंक की पासबुक कॉपी हो, पैन कार्ड हो और आधार कार्ड या सरकारी पहचान पत्र सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों की जारी हुई कॉपी, पेंशन दस्तावेज और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड यदि आपके पास है, मनरेगा जॉब कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है। ये जो 12 आईडियाँ निर्धारित की गई हैं, इन आईडियों को लेकर के मतदाता को अंदर प्रथम मतदान अधिकारी लेंगे। कोई भी एक कार्ड होना अनिवार्य है। इस प्रकार से मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी यहाँ पे जैसे बताया है आपको, पुरुष के लिए, पुरुष में यदि वो वोट डालता है तो उसको क्रॉस करते जाते हैं ऐसे रेड बटन मतलब वो करके, और महिला में राउंड का सेव कर देते हैं रेड से, तो ये लास्ट में काउंट करने में इजी हो जाता है कि महिला वोटर कितने मतदान किए हैं और पुरुष वोटर जो आपके मेल ने कितना किया है, तो ये आसान हो जाता है लास्ट में मिलाने के लिए। तो ये
एसएसडी मतदाता है। एसएसडी मतदाता का मतलब क्या हुआ, ये कौन से वोटर्स हुए? यदि मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित, अब्सेंट, कहीं और निवासित, शिफ्टेड है, और यह तो डेड में है, मृत हैं, अंकित है, तो ऐसे मतदाता एसएसडी मतदाता कहलाते हैं। एस फॉर ए फॉर एब्सेंट, एस फॉर शिफ्टेड और डी फॉर डेड, तो ये आपके एसएसडी मतदाता कहलाएंगे, जो मतदाता किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित हैं और जो अपना निवास स्थान किसी और जगह से किसी और जगह चले गए तो वो शिफ्टेड में जाएंगे, और डेड हो गए तो मृत में होंगे। तो ये एसएसडी मतदाता सूची वो अलग रहेगी। ऐसे मतदाता के मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान की जाए। यदि ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं तो उनके लिए एक घोषणा पत्र भरा जाएगा, उसके बाद ही मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी पीठासीन अधिकारी द्वारा।